अच्छा जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम बात कर रहे हैं अक्रूअल्स एंड प्री पेमेंट्स के एक प्रैक्टिस क्वेश्चन के ऊपर, जिसके अंदर हमें एक एक्सपेंस का अकाउंट बनाना है और एक इनकम का अकाउंट बनाना है। तो अगेन क्वेश्चन वही है हमारे पास, जो है मिस्टर एआरडी वाला बेसिक्स वाला क्वेश्चन, और इसके अंदर पार्ट डी हम सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें एक्सपेंस और इनकम का अकाउंट बनाना है। आज भाई मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, और वो क्वेश्चन है ऑन 1 अप्रैल 2015 ARD rented a premises for 10,000 per annum। क्या मतलब है जी? मतलब ये है, हमने एक जगह रेंट पे ली है और जिसका एनुअल रेंट कितना है जी? 10,000 per annum और पर ईयर, payable on equal installments on April, July, October and January। इसका मतलब वो जो रेंट है 10,000, ये हम चार installments में पे करते हैं। अगर हम चार इंस्टॉलमेंट मतलब हर क्वार्टर का रेंट पे करते हैं, तो जो 10,000 रेंट अगर पूरे साल का है, तो आप बता सकते हैं एक क्वार्टर का रेंट कितना होगा? मतलब एक इंस्टॉलमेंट में हम कितना रेंट पे करते हैं? बिल्कुल, 10,000 को डिवाइड बाय 4 कर दें तो ये आ जाएगा 2500 पर क्वार्टर, मतलब हर तीन महीने का रेंट होगा 2500। और आगे बात करते हैं, मिस्टर एआरडी फाइनेंशियल ईयर एंड ऑन 30th नवंबर। इसका मतलब हमारा ईयर कब एंड हो रहा है जी? 30th नवंबर। अच्छा, जो सेकंड लाइन है उसको हम ये इग्नोर करते हैं, क्योंकि उसके लिए हमें इनकम अकाउंट बनाना पड़ेगा। पहले हम बात कर लेते हैं किसके ऊपर? एक्सपेंस अकाउंट के ऊपर। और रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर रेंट अकाउंट एंड रेंट रिसीव अकाउंट। तो पहले हम क्या बना रहे हैं जी? रेंट अकाउंट बना रहे हैं पार्ट डी के अंदर। अच्छा, रेंट अकाउंट आपको पता है, अगर हमने जगह रेंट पे ली है तो हम रेंट पे कर रहे हैं, तो ये रेंट हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस। अगर आपको याद हो, वो जो हमने इसी का जो हमने वो किया था कॉन्सेप्ट जब पढ़े थे, तो उसके अंदर एक एक्सपेंस अकाउंट होता है, एक इनकम अकाउंट। और एक्सपेंस अकाउंट को याद रखने के लिए उसका एक निमोनिक बताया था आपको, पॉप, पी ए ए और पी। अब याद रहे, ये जो पाप हमने बनाया है पी ए ए और पी, ये एग्जाम में आपको नहीं लिखना, क्योंकि इसका कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर कि आपने जो है वो ये रोट लर्निंग की हुई है पाप के नाम से या पूप के नाम से। तो अब ये सिर्फ मैंने देखें पेंसिल से लिखा है पी ए ए पी। जब हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो इसके बाद हम ये मिटा देंगे, क्योंकि हमें प्रीपेड और अक्रूड नहीं लिखना होता एग्जाम में, हमें लिखना होता बैलेंस बी डी या बैलेंस सी डी। अच्छा, ये हो गई बात। इसका आपको कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए, ये प्रीपेड डेबिट पे क्यों आता है। यार हमें पता है, अगर एक्सपेंस प्रीपेड हो, अगर हम एडवांस में एक्सपेंस पे कर दें, तो वो हमारे लिए क्या होता है? एसेट। यार हर वो चीज़ जो फ्यूचर में हमें फ़ायदा पहुंचाएगी, बेनिफिट देगी, वो हमारे लिए क्या होता है? एसेट। इसीलिए बिल्कुल वो जो रेंट अकाउंट है वो हमारे लिए क्या होगा जी? रेंट एक्सपेंस जो है, अगर हम एडवांस में दे देंगे, वो एसेट होगा। एसेट आपको पता है उसका नेचर होता है डेबिट। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड, ये डेबिट साइड है, ओपनिंग बैलेंस ये आ रहा है डेबिट पे। अगर ओपनिंग डेबिट पे आएगा तो क्लोजिंग किधर आएगा? क्रेडिट पे। ऐसे ही आपको पता है, ये जो रेंट अक्रूड है, ये अक्रूड हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी। तो लायबिलिटी का अगर ओपनिंग आ रहा है ये क्रेडिट साइड पे, क्योंकि इसका नेचर क्रेडिट है, तो क्लोजिंग कहाँ पे आना चाहिए? डेबिट पे। यार देखो, जब भी हम रेंट पे करते हैं, एंट्री क्या बनती है? रेंट डेबिट और बैंक क्रेडिट। इसका मतलब वो जो बैंक की एंट्री है वो कहाँ पे आएगी? डेबिट साइड। क्या एंट्री बनेगी? रेंट डेबिट और बैंक क्रेडिट। और ईयर एंड पे रेंट अकाउंट में जितना भी बैलेंस होगा उसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? इनकम स्टेटमेंट में। क्या एंट्री बनेगी जी? इनकम स्टेटमेंट डेबिट। और रेंट अकाउंट क्या हो जाएगा जी? क्रेडिट हो जाएगा। इनकम स्टेटमेंट डेबिट और रेंट अकाउंट क्रेडिट। अब इसको सॉल्व करते हैं जी। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इनकम स्टेटमेंट में कितना रेंट जाएगा। यार देखो, अगर तो उसने आपको ये बताया नहीं है कि एनुअल या मंथली रेंट कितना होता है, तो ये इनकम स्टेटमेंट का फिगर हम बैलेंसिंग फिगर से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप देखें, इस क्वेश्चन में उसने खुद आपको बता दिया है एनुअल रेंट कितना है? 10,000। तो नॉर्मली तो इनकम स्टेटमेंट में ये पूरा जाना चाहिए 10,000। लेकिन इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम ये है, ये एक क्वेश्चन में मैंने थोड़ी सी इसमें ट्रिक ये डाली कि 1 अप्रैल को हमने जगह रेंट पे लिए और हमारा ईयर एंड कब हो रहा है? नवंबर। तो अब देखो, पूरा साल तो हुआ नहीं है जगह रेंट पे लिए हुए, तो इनकम स्टेटमेंट में सिर्फ उतना रेंट जाएगा जितना पीरियड गुजरा। अगर आप अप्रैल से काउंट करें नवंबर, तो ये कितने महीने बनेंगे? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। इसका मतलब ये 8 मंथ्स बन रहे हैं। अगर आप अपनी फिंगर्स पे काउंट करें, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, 8 मंथ्स। इसका मतलब ये जो एनुअल रेंट आ रहा है यार 10,000,
इसको हम 10,000 पूरा चार्ज नहीं करेंगे इनकम स्टेटमेंट में, बल्कि इसको हम कर देंगे 8/12। 8/12 क्यों भाई? कि 12 में से 8 महीने का सिर्फ रेंट अभी चार्ज होगा, क्योंकि इस साल में हमने जगह सिर्फ 8 महीने क्या किए, इस्तेमाल किए। तो इसको अगर आप निकाल लें तो ये आ रहा है, आंसर आ रहा है आपका कितना जी, 8/12। अच्छा, अब ये आपको पता है कि अप्रैल टू नवंबर हमने पे किया है और ये आ रहा है 6667। इसको राउंड ऑफ अगर कर दें ये 6666 आ रहा होगा, राउंड ऑफ कर दें 666 है। इसका मतलब इस साल इनकम स्टेटमेंट में कितना रेंट चार्ज होना चाहिए जी, 10,000 के बजाय 6667। आगे बात करते हैं हम जी और क्लोजिंग प्रीपेड के ऊपर। यार मुझे बताएं, हम रेंट जो पे करते हैं वो कैसे पे करते हैं? हम पे करते हैं रेंट एवरी 3 मंथ्स, मतलब एवरी क्वार्टर। यार अगर आप ये ज़रा जहन में रखें, हमने जगह ली है रेंट पे 1 अप्रैल, पहला रेंट हम कौन सी तारीख को पे कर रहे हैं, 1 अप्रैल को। तो अप्रैल में जून का रेंट हमने पे कर दिया, उसके बाद नेक्स्ट रेंट पे किया जुलाई अगस्त सितंबर, मंथ्स काउंट करें मेरे साथ, और सितंबर के बाद हमने पे किया अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर, और जनवरी तो अभी पे नहीं किया होगा, वो तो अगले साल पे करेंगे, क्योंकि इस साल में तो जनवरी आया नहीं। अब ये जो अक्टूबर वाली पेमेंट है ये इम्पॉर्टेंट है, हमने जो पेमेंट की 1 अक्टूबर को वो 3 मंथ्स का रेंट पे कर दिया अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर। भाई देखो, अक्टूबर नवंबर और दिसंबर का रेंट पे किया, और सवाल में ये गिवन है कि नवंबर में तो ईयर एंड हो गया। नवंबर में क्या हो गया जी, हमने कट ऑफ लगा दिया, ईयर एंड हो गया। इसका मतलब हमने 3 महीने का रेंट दिया, जिसमें से 2 महीने अक्टूबर नवंबर तो आ रहे हैं इस साल में ही, लेकिन जो दिसंबर का हमने रेंट पे कर दिया वो प्रीपेड है। प्रीपेड का मतलब ये है कि यार हमने अगले साल का भी रेंट पे कर दिया 1 महीने का। अब सवाल ये आता है 1 महीने का रेंट होगा कितना। अब इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि जो 10,000 रेंट है वो एनुअल है, इसको डिवाइड बाय अगर हम 12 कर दें तो ये आ जाएगा मंथली रेंट, और मंथली आ रहा है हमारे पास 833। एक और तरीका ये हो सकता है मंथली रेंट निकालने का कि जो हम क्वार्टरली रेंट पे कर रहे हैं वो है 2500, और वो जो 2500 रेंट पे कर रहे हैं वो 3 मंथ्स का है। अगर इसको डिवाइड बाय 3 मंथ्स कर दें तो पर मंथ का रेंट आ जाएगा दोबारा कितना जी, वो भी आ जाएगा 833। तो बात एक ही है, अगर एनुअल रेंट है डिवाइड बाय 12 कर दें, अगर क्वार्टरली रेंट है डिवाइड बाय 3 कर दें तो ये आ जाएगा 833। तो ये जो 833 है ये कहलाएगा हमारे लिए क्लोजिंग प्रीपेड, लेकिन प्रीपेड या अक्रूड हम नहीं लिखते एग्जाम में, ये हम लिखते हैं बैलेंस सीडी। क्या लिखते हैं जी, बैलेंस सीडी। तो वो जो पी लिखा है उसको मैंने इग्नोर कर दिया, और मुझे ये पता है ये प्रीपेड है, यहाँ तो हो गई जी बात। अब देखें हमने जो रेंट इस साल, और इसमें डेट क्या आएगी, ईयर एंड डेट डालना भी ज़रूरी है एग्जाम में, वरना इसके मार्क्स आपके डिडक्ट हो सकते हैं। और ये जो इनकम स्टेटमेंट है ये भी ईयर एंड की डेट आएगी 30th नवंबर। अब देखें जो हमने रेंट पे किया है वो कौन कौन सी इंस्टॉलमेंट्स पे किए जी इस साल। पहली इंस्टॉलमेंट पे किए 1 अप्रैल, और एक इंस्टॉलमेंट हमने कैलकुलेट कर लिया था 2500 है। सेकेंड इंस्टॉलमेंट हमने पे कर दिए 1 जुलाई को इस साल, वो कितनी आ रही है, वो भी 2500। और थर्ड इंस्टॉलमेंट जो हमने पे किए 1 अक्टूबर में पे किए, और वो भी 2500। भाई नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट मैंने क्यों नहीं डाली, वो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करेंगे जनवरी में। जनवरी तो इस साल में आया ही नहीं, क्यों नहीं आया जी, क्योंकि हमारा ईयर एंड हो जाता है नवंबर में और हमने जगह लिए अप्रैल में, तो अप्रैल से नवंबर के दौरान जनवरी नहीं आएगा, अब जनवरी आएगा नेक्स्ट ईयर। अब इसको क्या करना है, हमें टोटल करना है। अगर आप देखें दोनों साइड्स अब हमारी इक्वल हो गई, क्योंकि कोई भी चीज़ मिसिंग नहीं है। तो डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 7500, और क्रेडिट साइड का टोटल भी कितना आ रहा है जी, 7500। और ये जो बैलेंस सीडी आ रहा है 30th नवंबर में 833, इसको बैलेंस बीडी बनाना ज़रूरी है, इसका एक मार्क है। तो 30th नवंबर के बाद क्या आ जाएगा, 1st दिसंबर, लेकिन ईयर चेंज नहीं होगा, क्योंकि ईयर कब चेंज होता है, दिसंबर के बाद। तो ये 1st हमारे लिए आ जाएगा दिसंबर 2015, और ये बन जाएगा हमारे लिए बैलेंस बीडी, कितना आ गया जी, 833। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई। पार्ट डी, पार्ट डी के बाद जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है हमारी वो है पार्ट ई, सॉरी पार्ट डी के अंदर ही एक और रिक्वायरमेंट है, हमें बनाना है रेंट रिसीव अकाउंट। यार रेंट रिसीव अकाउंट बनाने के लिए पहले हम कुछ डेटा पढ़ लेते हैं। वो कहता है ऑन 1st मे ARD realized that the premises were larger than required and sublet part of it to a tenant. यार हुआ ये है कि हमने अपनी जगह का एक पार्ट किसी और को अब सबलेट कर दिया, और जिसका एनुअल रेंट हमें कितना मिल रहा है, 6000। अब ये जो रेंट हमें मिलेगा ये हमारे लिए रेंट इनकम है, रेंट रिसीव हमारे लिए इनकम अकाउंट है। टेनेंट कमिटेड टू पे द रेंट ऑन मई अगस्त नवंबर और फरवरी।
अगेन टेनेंट हमें 4 इंस्टॉलमेंट में दे रहा है रेंट, तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे, रेंट रिसीव अकाउंट। अच्छा, अगर 6000 एनुअल रेंट है 6000 और टेनेंट हमें 4 इंस्टॉलमेंट में रेंट पे कर रहा है, तो बता सकते हैं एक क्वार्टर का रेंट कितना होगा? बिल्कुल, 6000 को डिवाइड बाय 4 कर दें तो एक क्वार्टर का रेंट होगा 1500। अच्छा, ये भी कर सकते हैं, अगर मंथली निकालना हो तो 6000 डिवाइड बाय 12 कर दें तो पर मंथ आ जाएगा 500, और मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें तो वही आ जाएगा 1500 एक क्वार्टर का रेंट। अब मुझे क्या बनाना है जी, रेंट रिसीव अकाउंट बनाना है। देखें जी कैसे बनेगा रेंट रिसीव अकाउंट। आपको याद है बेसिक्स वाला जो इसका लेक्चर था कि रेंट रिसीव इनकम अकाउंट है, और इनकम अकाउंट के लिए निमोनिक हमने याद किया है आपा, ए पी पी और ए। इसका कॉन्सेप्ट भी समझ लें, एक्सपेंस अगर प्रीपेड होता है तो वो हमारे लिए क्या होता है जी, एसेट होता है, लेकिन अगर इनकम हमारे लिए प्रीपेड होती है तो इनकम हमारे लिए लाइबिलिटी बन जाती है। क्या बन जाती है जी, लाइबिलिटी। अगर मुझे एडवांस में रेंट मिल गया और मैंने अभी तक सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की, तो अगर मैं वो जगह सेल करूँगा तो वो मुझे पैसे जो मैंने एडवांस में लिए वो मैं क्या करूँगा, वापस करूँगा। तो ये लाइबिलिटी है, इसलिए ये आ रहा है क्रेडिट साइड पे। अगर क्रेडिट पे लाइबिलिटी आ रहा है तो क्लोजिंग किधर आएगा, ये डेबिट पे। ऐसे ही अगर आप देखें, एक्सपेंस जो अक्रूड था वो हमारे लिए लाइबिलिटी था, इनकम जो अक्रूड है वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, एसेट। यार इसकी ऐसी एग्जांपल है कि हमने अपना घर किसी को रेंट पे दिया और अभी तक वो जो बंदा है किराएदार जो है हमारा टेनेंट, उसने अभी तक हमें पैसे दिए नहीं है, लेकिन हमें पता है आज नहीं तो कल पैसे मिलेंगे तो सही। तो ये जो पैसे मिलने वाले हैं ये हमारे लिए रिसीवेबल है और हमारे लिए एसेट है। अगर ओपनिंग अक्रूड इधर आ रहा है तो क्लोजिंग किधर आएगा, डेबिट पे। तो ये कॉन्सेप्ट है इसका। और जब रेंट रिसीव होगा क्या एंट्री बनेगी, बैंक डेबिट, और रेंट रिसीव अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और ईयर एंड पे रेंट रिसीव अकाउंट में जितना भी बैलेंस होगा उसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे जी, इनकम स्टेटमेंट में। क्या एंट्री बनेगी जी, इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट और रेंट रिसीव डेबिट। अगर आप इन दोनों अकाउंट्स को कंपेयर करें, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। जो चीज़ें वहाँ डेबिट पे आ रही थी वो यहाँ पे कहाँ पे आ रही हैं, क्रेडिट पे, और जो चीज़ें वहाँ क्रेडिट पे आ रही थी वो यहाँ पे आ रही है डेबिट पे। तो दोनों एक दूसरे के क्या हैं जी, मिरर इमेज है। सही है जी, ये बना दिया हमने रेंट रिसीव अकाउंट। अब एक एक करके इस पर हम बात करते हैं। अच्छा, अगर आप देखें हमने जो जगह रेंट पे दी है उसका एनुअल रेंट है 6000, लेकिन अगेन यहाँ पे हमें मंथ्स काउंट करने पड़ेंगे क्योंकि पूरा साल नहीं गुजरा हमने जगह रेंट पे दिए हुए। हमने 1 मई को अपनी जो प्रेमिसेस है वो रेंट पे दी है और हमारा ईयर एंड हो रहा है अगेन 30 नवंबर, जो कि सेम रहेगा। अब मई से हमें नवंबर काउंट करना है, कितने मंथ्स हो रहे हैं। अब आप मेरे साथ काउंट करें, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये बन रहे हैं 7 मंथ्स, मई टू नवंबर 7 मंथ्स। तो वो जो 6000 एनुअल रेंट है यार, इसको कर दें 7/12 प्रोपोर्शन कर दें। तो 7/12 का मतलब 12 में से 7 मंथ्स का हम रेंट चार्ज करेंगे इनकम स्टेटमेंट में, क्योंकि अभी इस साल हमें सिर्फ 7 महीने हुए हैं जगह रेंट पे दिए हुए। तो ये आ रहा है आंसर 3500। इसका मतलब इनकम स्टेटमेंट का फिगर हमने पहले ही निकाल लिया। अगर हमें ये पता ना होता कि एनुअल रेंट कितना है तो फिर हम ये नहीं निकाल सकते थे और ये फिर बैलेंसिंग फिगर से निकलता। बैलेंसिंग फिगर मतलब बाकी सारी चीज़ें हमें पता होती, जो मिसिंग होता वो क्या होता, इनकम स्टेटमेंट। आगे बात समझ। अब आगे बात बढ़ाएं भाई इसी सवाल में, मुझे बताएं ये जो हमने इंस्टॉलमेंट्स पे किए हैं यहाँ पे, ये कब कब पे किए हैं, मई, अगस्त, नवंबर, और सॉरी कब कब रिसीव किए हैं। टेनेंट हमें रेंट दे रहा है मई में, अगस्त में, नवंबर और फरवरी। तो यहाँ पे इस साल आएंगी 3 इंस्टॉलमेंट मई की आ जाएगी। 1500 कैसे है भाई, 6000 जो है एनुअल है डिवाइड बाई 4 कर देंगे तो एक क्वार्टर का रेंट कितना रिसीव होगा, 1500। अच्छा, ऐसे ही मई के बाद जो दूसरा रेंट मिलेगा हमें वो मिलेगा अगस्त में, वो भी लिख लें 1500। और थर्ड जो इंस्टॉलमेंट मिलेगी वो नवंबर में मिलेगी, क्योंकि ईयर एंड हो रहा है 30 नवंबर, तो 1 नवंबर की इंस्टॉलमेंट भी आएगी। और जो लास्ट रेंट हमें मिलेगा वो फरवरी में मिलेगा। अब वो जो फरवरी है वो इस साल में फॉल नहीं कर रहा, वो फॉल करेगा नेक्स्ट ईयर में, सही, क्योंकि हमने जगह रेंट पे चढ़ाई है मई में, और मई से नवंबर में फरवरी नहीं आता, वो नेक्स्ट ईयर आएगा। तो 3 इंस्टॉलमेंट हो गई। अच्छा, अब आखिरी बात करें और वो है क्लोजिंग प्रीपेड। यार देखो, हमें जो पहला रेंट रिसीव हुआ है वो मई में हुआ है, काउंट करें मई, जून, जुलाई का रेंट मिल गया। मई, जून, जुलाई के बाद है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का रेंट भी मिल गया, अगस्त में, अक्टूबर तक का मिल गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। उसके बाद जो हमें रेंट मिला है नवंबर में, वो 3 मंथ्स का मिला है, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, 3 मंथ्स हो गए, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। यार मसला ये है, नवंबर में तो क्या हो जाता है, ईयर एंड हो जाता है, तो ये क्या हो गया, कट ऑफ हो गया।
नवंबर में अगर ईयर एंड हो गया तो नेक्स्ट जो टू मंथ्स हैं दिसंबर और जनवरी वो तो फॉल करेंगे अगले साल। नवंबर में हमारा साल हो गया ख़त्म, इसका मतलब हमें दो महीने का एडवांस रेंट मिल गया, कौन कौन से मंथ्स का, दिसंबर और जनवरी। अब सवाल ये आता है दो महीने का रेंट हम कैसे निकालेंगे। टू मंथ्स का रेंट ऐसे निकलेगा कि यार ये प्रीपेड कहलाएगा। आपको पता है 6000 है एनुअल रेंट, अगर इसको हम डिवाइड बाय 12 कर दें तो मंथली रेंट कितना आ जाएगा जी, 500 आ जाएगा जी। और इस 500 को अगर मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें तो ये आ जाएगा 1000। दूसरा तरीका यह है कि जो 1500 रेंट है वो है 3 मंथ्स का, एक क्वार्टर का, तो अगेन मंथली कितना होगा, 500। अगर मंथली 500 है तो 2 मंथ्स का कितना हो जाएगा जी, 1000। तो ये कहलाएगा प्रीपेड है, लेकिन हम प्रीपेड या अक्रूड नहीं लिखते, हम लिखेंगे बैलेंस सीडी। क्या लिखेंगे जी, बैलेंस सीडी आ गया 1000। अगर आप देखें अब ये दोनों साइड्स ऑटोमेटिकली क्या हो गई, इक्वल हो गई। और ये कितना आ गया भाई, ईयर एंड पे डेट डाल देंगे 30th नवंबर, 4500। मैं आपको ये समझा रहा था अगर ये इनकम स्टेटमेंट वाला फिगर हमें नहीं पता होता 6000, तो फिर हम क्या करते, तो फिर हम 4500 यहाँ भी लिखते, जो बड़ी साइड है दोनों जगहों पे लिखते, 4500 में से 1000 माइनस करते, जो बच जाता है 3500 ऑटोमेटिकली क्या हो जाता, इनकम स्टेटमेंट। फिर हमें ये जो है वर्किंग वैसे भी शो करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ हमें ये फिगर चाहिए। अच्छा, ये जो बैलेंस सीडी आ गया क्लोजिंग प्रीपेड, ये अगले पीरियड में क्या बन जाएगा, बैलेंस बीडी। तो 30th नवंबर के बाद क्या आ जाएगा, 1st दिसंबर, 1st दिसंबर ये आ जाएगा बैलेंस बीडी। अच्छा, अब ये जो APPA लिखा हुआ है इसको आप चाहें तो रब कर दें, सही, इसको रब कर देना बेहतर है, क्योंकि हम एग्जामिनर को ये इंप्रेशन नहीं देना चाहते कि हमने इसको जो है रोट लर्निंग की, इसका रट्टा लगाया हुआ है APPA। तो APPA मिटा दें, हमें सिर्फ बैलेंस BD और बैलेंस CD चाहिए। तो आई होप कि आपको रिक्वायरमेंट समझ में आ गई होगी।